कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के पंचम अध्याय में वर्णित भगवान श्री ऋषभ देव जी के उपदेशों पर आधारित हमारा कार्यक्रम। और आपने सुना कि भगवान ऋषभ देव ने ये बोला है कि भाई, ये जो मनुष्य जीवन है वो भगवत प्रेम प्राप्ति और भगवत कृपा प्राप्ति, भगवत सन्मुख्य प्राप्ति के लिए मिला है, यानी कि हम भगवान के सन्मुख हो सकें, है ना? ऐसा साधन करने के लिए मिला है, ऐसा तप करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन कहीं से भी अंधाधुंध भौतिक भोग करने के लिए नहीं मिला है, ये हम सुनते चले आ रहे हैं। आज 14वें श्लोक में कह रहे हैं ऋषभ देव जी कि कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधम विद्या साधितम प्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम सम्यग व्यपोहियो परमेत योगात। हे पुत्रों, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए, अत्यंत सावधान रहना। इन विधियों से तुम लोग सकाम अभिलाषा की अविद्या से छूट सकोगे और तुम्हारे हृदय में स्थित बंधन रूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी। उसके बाद और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का परित्याग कर देना चाहिए, यानी तुम्हें मुक्ति क्रिया में ही आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। यानी कि मुक्ति क्रिया, यहां क्या कहा, मुक्ति क्रिया यानी ब्रह्म जिज्ञासा, जिसमें लोग सोचते हैं कि नेति 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 करते रहें, यानी वो क्रिया जिससे कि परम सत्य की खोज करने के लिए अस्तित्व के बारे में सोचा जाता है, है ना? बार बार सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भजन भक्ति करे तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, यानी कि उसे भगवत अनुभव होगा और भगवत अनुभव के साथ साथ उसे भगवत सेवा का सुख भी प्राप्त होगा। देखिए, यहां तो पुत्रों ने कोई सवाल नहीं किया था ऋषभ देव जी से कि पिताजी ये बताइए कि हमारा कल्याण किस में हो सकता है, किंतु ऋषभ देव जी ने स्वयं ही बता दिया था कि तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है। परंतु हम भगवान श्री कृष्ण का जो वांग्मय स्वरूप है, जो उनका वाणी स्वरूप है श्रीमद् भागवतम, है ना, जिसके रूप में वो स्वयं प्रकट हैं, अगर उसे पढ़ें तो हम देखते हैं वहां शौनक आदि मुनियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया है कि जीव मात्र के लिए समस्त शास्त्रों का जो एकांतिक श्रेय है, जो परम कल्याण है, वो क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने वो श्लोक कहा था, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। उन्होंने कहा था कि भाई, जिस धर्म से अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उदित हो, यानी कि भक्ति का अर्थ क्या, भक्ति का अर्थ उनकी लीला कथा श्रवण आदि में रुचि उत्पन्न हो, वही परम धर्म है और वही ही जीव मात्र के लिए समस्त शास्त्रों का सारभूत परम कल्याण है। इसका मतलब ये कि इंसान चाहे वर्णाश्रम धर्म निभाए, चाहे अन्य कोई धर्म निभाए, लेकिन किसी भी धर्म के पालन करने से अगर भगवान में भजन और भक्ति उदित होती है, इसका लक्षण क्या है कि किसी में भजन और भक्ति उदित हो गई, किसी में भक्ति देवी ने प्रवेश किया है, इसका कोई लक्षण तो होगा। तो हाँ, इसका लक्षण है
कि अगर भगवान की लीला कथा श्रवण आदि में रुचि उत्पन्न हो तो वो परम धर्म है, है ना। भगवान की बातें सुननी बहुत अच्छी लगती हो, बार बार मन करता हो कोई भगवान की लीला सुनाए, कोई भगवान की लीलाओं का, उनके नाम का, उनके गुणों का कीर्तन करे और मैं सुनूं। अगर ये मन करता है, रुचि उत्पन्न हो गई, इसके अलावा सब बेकार लगता है, तो इसका अर्थ ये है कि हाँ, हम परम धर्म के अधिकारी हो गए। हम परम धर्म यानी कि भगवान श्री कृष्ण के भजन में आ गए हैं, अग्रसर हो गए हैं। इसका अर्थ ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म का बहुत अच्छी तरह से अनुष्ठान कर रहा है, याग यज्ञ कर रहा है, दान तपस्या कर रहा है, लोगों के लिए काफी सारी धर्मशालाएं खोली हैं, अनाथालय खोले हैं, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी धर्म का कोई अच्छी तरह से अनुष्ठान कर रहा है लेकिन उससे अगर भगवान में रुचि उत्पन्न नहीं होती, है ना, अगर भगवान में कहीं से कोई रुचि उत्पन्न नहीं होती तो ये मान लीजिए कि वो सिर्फ श्रम है। श्रीमद् भागवतम में ये बात कही गई, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पाद्येद्यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। यानी कोई अपने धर्म को कितना भी निभा ले, ठीक ठीक अनुष्ठान कर ले, कोई विद्यार्थी है ठीक ठीक पढ़ाई कर ले, कोई बाहर काम करने जाता है ठीक ठीक काम कर ले, गृहस्थी निभा ले, माता पिता के प्रति अपने धर्म का ठीक ठीक पालन कर ले, वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन कर ले, बिल्कुल ठीक पालन कर ले, लेकिन यदि इन सबके करने से मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वो निराश्रम ही है, श्रम और केवल श्रम। यानी सिर्फ कड़ी मेहनत है। देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो आचार्य हैं, बड़े प्यारे हैं। हमारे जो आचार्य हैं वो बहुत खोल के बोलते हैं, किसी चीज पर पर्दा नहीं पड़े रहने देते। सीधी सी बात है, हमारे ऋषभदेव जी ने कहा, या आप देखें तो महाराज निमिको नवयोगेंद्रों ने जो कहा, या फिर प्रहलाद जी ने कहा, और इतने सारे आचार्य हैं, सबकी एक ही वाणी है कि भाई मनुष्य जो तन है वो सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति के लिए मिला है, भजन कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, उनका प्रेम प्राप्त हो जाए, बस इसी के लिए ही मिला है, दूसरा कोई काम नहीं है इसका। लेकिन हम इस मनुष्य तन से सब कुछ करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान कर रहे हैं, हम लोगों पर दया कर रहे हैं, हमने जो है इतने लोगों को ये सब बांटा, सब ठीक है, पर ये सब तो पुण्य है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि अगर भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो किसी भी धर्म को निभाने से, तो फिर वो धर्म क्या है? वो धर्म मात्र श्रम है, इसके अलावा उसकी कोई अन्य उपयोगिता नहीं है, ये बात है। तो देखिए, इस चीज को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या उससे हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं के प्रति अनुराग जागृत हो रहा है क्या। अगर हम अपनी घर गृहस्थी का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए, करना चाहिए, लेकिन यही एंड है और इसी से सब कुछ मिल जाएगा, इससे ही हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, यानी कि
हमें भगवान मिल जाएंगे या हमें बार बार देहों में आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, ये नहीं हो सकेगा, है ना। इसके लिए तो भगवान की भक्ति में और भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में रुचि होनी होगी। तो जो भी चीज़ इस रुचि को उत्पन्न कर दे वो है हमारे जीवन का मुख्य सत्संग, या कह लीजिए कि उसी चीज़ को हमें अपनाना होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि देखिए, अगर हम कुछ भी करें, कुछ भी, कोई भी धर्म या कोई भी कर्म, उसकी पूर्ण सिद्धि जानते हैं कहाँ है? उसकी पूर्ण सिद्धि है भगवान की प्रसन्नता में, कि भाई भगवान प्रसन्न हुए हमारे इस कर्म से या नहीं, उनकी कृपा मिली कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जो भी किया जाए वही परम धर्म है। सावय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, है ना। तो अगर हम कहें कि नहीं, हमारे शास्त्र तो यही बताते हैं कि धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति वाला, एक निवृत्ति वाला। प्रवृत्ति वाला यानी विषय भोग करो, कामनाएं करो, फिर उस कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पैसा कमाओ, यहाँ वहाँ जाओ। और एक है निवृत्ति वाला, यानी सब कुछ छोड़ते चले जाओ, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आसक्ति का त्याग हो जाए बिल्कुल। तो बोला नहीं, अगर केवल निवृत्ति लक्षण युक्त कोई धर्म है ना, कि भाई छोड़ते चले जाओ, अनासक्त हो जाओ, विरक्त हो जाओ, तो वो भी श्रेष्ठ धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी भगवत विमुखता रह सकती है। याद रखिए कि हम लोग जो बारंबार शरीर धारण कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं, जन्म जन्म से विमुख हैं, कभी भी उनके सन्मुख हुए नहीं हम, कभी भी हमें भगवान का अनुभव प्राप्त हुआ नहीं, हमने ऐसे साधन किए नहीं, और अगर किए तो वो साधन पूरे हुए नहीं, है ना। तो अगर कोई कहे कि सब कुछ छोड़ दो या छोड़ते चले जाओ, संन्यास ले लो, जंगल में जाकर रहो, तो ये धर्म केवल निवृत्ति लक्षण युक्त है, ये शेष नहीं है, क्योंकि इसमें भी श्री भगवत विमुखता रह सकती है, है ना। अब देखिए, सीधी सी बात है, हमारे शास्त्र जो है बहुत कुछ हमें बता देते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में ही नारद जी ने कहा, उन्होंने क्या कहा, नैश कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। यानी कि वो निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी भी उतनी शोभा नहीं होती। फिर साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में जो सदा ही अमंगल है वो काम्य कर्म, और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है ऐसा निष्काम कर्म भी भला कैसे सुशोभित हो सकता है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि मनुष्य जीवन जो है ना, वो भजन के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है। भक्ति का मतलब है भगवान की कथाओं में रुचि हो जाना, है ना। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर कोई सोचे नहीं हम तो जो है कर्म करते हैं, अगर कोई काम में कर्म करे, यानी कि अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भागता फिर रहा है, सुबह से लेकर रात तक ऑफिस कर रहा है और सोच रहा है देखो मैं अपने घर वालों को कितने अच्छी तरह से पाल रहा हूँ, सबका ख्याल रख रहा हूँ, तो वो भी बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं है। याद रखिए, बिल्कुल बेकार है वो, उससे सिर्फ पेट भरेगा, उससे इंद्रियां ही तृप्त होंगी कुछ हद तक, शायद दुनिया में थोड़ा बहुत नाम भी हो जाए समाज में, और कुछ नहीं, लेकिन जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा, है ना। क्योंकि साधन और सिद्धि दोनों दशाओं में ये अमंगल रूप है,
यहां भगवान की संतुष्टि के बारे में तो सोचा ही नहीं गया है, और तो और आत्मकल्याण के बारे में भी नहीं सोचा गया है कि मेरा कल्याण वस्तुतः कहाँ है। मेरा कल्याण श्री भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति में है, उनकी सेवा की प्राप्ति में है, उनसे प्रेम करने में है। ये बात तो कहीं से आई ही नहीं है मन में, सिर्फ अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हुए व्यक्ति घूम रहा है ना। तो यहां बताया कि देखो भाई, ये तो काम में कर्म है, यानी जो कर्म हम करते फिरते हैं अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। और ऐसा भी अगर कोई कर्म कर ले कि किसी ने सोचा कि चलो मैं कर्म करूंगा मगर उसमें अपना सुख नहीं चाहता, निष्काम कर्म होगा, है ना। अब निष्काम कर्म कर रहा है लेकिन भगवान को अर्पण नहीं किया, तो बोला गया कि वो भी फिर बेकार है। तो फिर जो मोक्ष प्राप्ति का साधन निर्मल ज्ञान है, अगर वो भी भगवान की भक्ति से रहित हो कि भाई मोक्ष मिल जाएगा, तो भी उसकी उतनी शोभा नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवत विमुखता से युक्त है, और यही हमारे भव रोग का एकमात्र कारण है, जान लीजिए।